हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पांडे पेट्स एंड गार्डनिंग में। दोस्तों, ये कुछ ऑनलाइन हमने गुलाब मंगाए थे तो उनकी अनबॉक्सिंग का वीडियो है। पहले भी हमारे बहुत सारे गुलाब हमने मंगाए जो हैं उनके वीडियो हैं, उनका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और ये गुलाब मैंने पुष्पा बितन नर्सरी से मंगाए हैं और 13 फरवरी को इन्होंने मुझे भेजे थे और आज 16 फरवरी को ये मेरे पास हैं। तो चलिए इनको खोल के देखते हैं। और पुष्पा बितन नर्सरी से मैंने मंगाए हैं और ऑर्डर ये मैंने इनको नवंबर में कर दिया था, उस टाइम पे भी इन्होंने मुझे 18 गुलाब टोटल भेजे थे, उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और बाकी जो प्लांट बचे थे वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे तो इन्होंने अब भेजे हैं। अभी भी वो सारे गुलाब तो इन्होंने मुझे नहीं भेजे हैं, जैसे डेविड ऑस्टिन इनके पास इस बार अवेलेबल नहीं हो पाए तो अब अगले सीज़न में मैं मंगाऊंगा, पर बाकी गुलाब इन्होंने भेजे हैं तो वो देखते हैं। और चलिए इसे शुरू करते हैं। इसको हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि पहले जो वीडियो हैं वो अनबॉक्सिंग करते करते बहुत लंबे हो जाते हैं। इसको हम डायरेक्ट खोल के दिखाते हैं कि कौन कौन से गुलाब हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये टोटल बंचेज में ये हैं, दो बंच में ये गुलाब इन्होंने हमें भेजे हैं और टोटल मेरे ख्याल से 10 के आसपास ये गुलाब हैं, 5-5 या फिर 6-4 करके होंगे, वो अभी देख के पता चल जाएगा। तो आप भी इनसे गुलाब मंगा सकते हैं लेकिन अब मेरे ख्याल से गुलाब मंगाने का टाइम चला गया है क्योंकि अब टेम्परेचर ज़्यादा होने लग गया है। अक्टूबर से और जनवरी फरवरी तक ही आप इन्हें मंगाएं और शायद अब इन्होंने आउट ऑफ स्टॉक भी कर दिया है तो इस सीज़न में तो अब ये गुलाब नहीं मिलेंगे, पर आप अगले सीज़न में इनसे मंगा सकते हैं। प्लांट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। कई लोग हमें कहते हैं कि कुछ प्लांटों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कुछ इश्यूज ज़्यादा आते हैं, तो मैं पहले क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन जो भी हम गुलाब लेते हैं वह हम अपने रिस्क पर ही लें क्योंकि बाद में प्लांटों के अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो रिफ़ंड भी नहीं होता है और कई लोग तो रिस्पांस भी नहीं करते हैं। हालांकि पुष्पा बितन वाले थोड़ा रिस्पांस अच्छा कर देते हैं और प्लांट भी अच्छे भेजते हैं तो मैं इनसे ज़्यादा प्रेफर करता हूं, पर फिर भी आप लोग अपने रिस्क पे ही मंगाएं। और साथ ही साथ जो हमने पुराने जो गुलाब मंगाए थे उनका रिज़ल्ट भी हम डाल रहे हैं। पुष्पांजलि अशोक से जो हमने गुलाब मंगाए थे उनका रिज़ल्ट भी एक दो दिन में हम अपलोड कर देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको प्लांटों का अपडेट मिलता रहे। तो एक बार इनको खोल के देख लेते हैं टोटल कितने प्लांट हैं और कौन कौन से प्लांट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों ये टोटल प्लांट हैं, अभी मैं इनको निकाल नहीं रहा हूँ, मैं सीधा इनको फंगीसाइड में डालूँगा तो ये ईजिली निकल जाएंगे। जो वाटर का जो हम एक मिक्सचर बनाते हैं फंगीसाइड के साथ उसकी डिटेल भी आपको हमारे पुराने वीडियो में मिल जाएंगी, तो आप हमारी एक पूरी लिस्ट है उसको आप देख लें कि ऑनलाइन जो हम गुलाब मंगाते हैं उनको लगाना कैसे है। अगर अभी हम बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो जब मैं इन प्लांटों को सोल्यूशन में डालूंगा तो फिर ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे। अभी मैं इनको निकालूंगा तो इसमें इनकी जड़ों के टूटने का खतरा बन जाता है और प्लांट भी मर जाता है, लेकिन मैं अभी यहीं से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसके ये ग्राफ्ट पोर्शन है देखिए, और ये एक एक साल के मैच्योर प्लांट ये हैं। आईडी भी कुछ की मैं बता दूं आपको तो ये ट्रॉपिकल अमेजॉन है, डच वैरायटियां ज़्यादा हैं, मिनी फ्लोरा ऑरेंज है और डिक क्लार्क है। ऐसे ही ये 12-13 गुलाब हमारे पास आए हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और पुराने डिटेल वीडियो हमारे पहले से हैं तो बनाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। और अगर आपको इनका रिज़ल्ट देखना है तो आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी गार्डनिंग। बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।